Good morning, sir. I'm Sara Sadar from the Indian Community School, Kuwait. I'm originally from Hyderabad, India. As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the questions asked in the examination and the objective with which we are being taught. Our teachers often say that we have to emerge as good human beings, but our exam papers do not reflect this concern. So I have a suggestion for our education system. Examination needs to be linked with our broader aim of education, and every student, parent, teacher, and the board examiner must be aware of this. Thank you, sir. क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि परीक्षा पर पूछे गए सवालों और जिस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है. हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर प्रश्न पत्र में ये कंसर्न जाहिर ही नहीं होता. हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक सलाह है कि हमारी परीक्षा शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए और इस बात के प्रति टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोर्ड एग्जामिनर्स सभी को सजग होना चाहिए. माननीय, इस बारे में आपके विचार हम सब जानना चाहेंगे. देखिए, मूलतः शिक्षा में सारी बातें होती हैं. ये शिक्षा जो है वो कोई रातों रात तैयार नहीं हुई है. हजारों साल से मानव विकास यात्रा के साथ नई नई चीजें जुड़ती गई है, नए नए तरीके जुड़ते गए हैं. लेकिन कठिनाई तब होती है, हमने शिक्षा को जिंदगी से काट करके एग्जाम से जोड़ दिया है और उसी का परिणाम है कि हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया. अब जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा के बच्चे अगर वहाँ टूरिस्ट के रूप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है तो सभी बच्चे ऐसे ही चलेंगे. ऐसा होता है ना, हाथ पीछे बांध करके पूरा टूर देखेंगे, टूर प्रोग्राम ऐसे ही करते हैं ना. अब ये शिक्षा में नहीं है, लेकिन ये उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्या? डिसिप्लिन. मतलब ये मैं नहीं कहता हूं फिर हाथ पैर ऐसे करना ही मत. कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सब चीजें होती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं होता. या तो जो टीचर बताता है वो सिलेबस का तो ज्ञान देता है लेकिन ये चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है. हकीकत ये है कि शिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रिलेवेंट करके पेश करना ये टीचर्स को हॉबी होनी चाहिए, उसको आता हूं. मैं छोटा सा बताता हूं. मैं जो छोटा था तो हमारे एक टीचर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था. तो गायकवाड़ राजा की एक विशेषता थी कि जहां भी उनका राज होता था वहां प्राइमरी स्कूल होती थी, बच्चियों की शिक्षा कंपल्सरी होती थी, पोस्ट ऑफिस होती थी, तालाब होता था, लाइब्रेरी होती, ऐसे कुछ उनके विशेषताएं थी. जहां जहां उनका राज होता था इतनी चीजें होती थी. तो मेरे गांव में भी उनकी एक स्कूल थी, तो सरकारी स्कूल थी, मैं उस पर पढ़ता था. हमारे एक टीचर की विशेषता थी, वो क्या कहते थे, हम सभी स्टूडेंट को कहते थे कि चलो तुम पांच खड़े हो जाओ, तुम कल घर से तुम पांच मूंग के दाने लाओगे, तुम सात मूंग के दाने लाओगे, तुम नौ मूंग के दाने लाओगे. दूसरे को कहते थे तुम तीन चने के दाने लाओगे, पांच चावल के दाने लाओगे, ऐसा वो अन्न के कुछ दाने, ज्यादा नहीं थोड़े, ले क्या. तो बच्चा क्या करता था, याद रखता था कि मुझे पांच मूंग के दाने ले जाने. तो घर में किसको मूंग कहते हैं वो सीख जाता था, किसको मूंग कहते हैं, पकड़ करके ले आता था बड़ा संभाल करके. तो मूंग फिर पढ़ाना नहीं पड़ता था किसको मूंग कहते हैं. मैं बिल्कुल बचपन की बात बताता हूं. फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीजों को मिक्स कर देते थे. फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई पांच बच्चे आ जाओ, इसमें से एक को कहेंगे चना, पांच चना नुको तो उसको मैं एरिथमेटिक आ गया, चना पहचान गया. दूसरों को कहते हैं चावल पांच उठाओ दिखाओ. यानी पढ़ाने का उनका एक अपना तरीका था. अब बात छोटी है लेकिन जिंदगी से कैसी जोड़ देते थे. मतलब कि शिक्षा में सब नहीं है, ऐसा है नहीं है, होता सब है.
गीत होता है, संगीत होता है, संवेदनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सब होता है, लेकिन हमने अपने आप को, परिवार ने, टीचर ने, सब ने रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, वही समस्या शुरू हो जाती है। जीवन को हम खोल दें, जीवन को हम विस्तृत कर दें, हर चीज में से अपनापन सीखना शुरू कर दें, अपने आप देखिए, खुद की जिंदगी बदलेगी, परिसर की भी जिंदगी बदलेगी।